यमुनानगर में कानून से बेखौफ बदमाशों का कहर बढ़ता जा रहा है। सरेआम गुंडागर्दी को अंजाम देने से गुरेज नहीं करते हैं। शातिर बदमाशों की गुंडागर्दी चांदपुर इलाके में देखने को मिली, जहां शराब के ठेके पर पहले तो बदमाशों के द्वारा मारपिटाई की गई और फिर बाद में देर रात ठेके का शटर तोड़कर अंदर पड़ी शराब कोटे को तहस नहस कर दिया गया। हम अपना काम कर रहे थे, रात 10:30 बजे की बात है, बस आपस में बाहर झगड़ा हुआ किसी का, अंदर आए, एक अंदर बढ़ गया उनमें से, आके बस तोड़ फोड़ सारी दुकान की थी, हमारी गल भी मार पिटाई, एक सब कट्टा रह गया यहाँ, एक पकड़ गया अंदर खींच लिया था हमने, फिर अपना पता नहीं कैसे कैसे जान बचा के भागे यहाँ से दुकान पे जी अपनी यहाँ से जी, नुकसान कम से कम जी सारी बहुत इम्पोर्टेंट सारी शराब तोड़ दी। बदमाशों ने अलमारी को तोड़कर लाखों रुपए की नकदी भी निकाली और बदमाश जाते समय अपने साथ शराब की पेटियों को भी उठा कर ले गए। पहले झगड़ा हुआ, हम मौके पे गए हैं, वहाँ पर तो चलो जिस टाइम हम गए उस टाइम कोई मौजूद नहीं था, तो उसके बाद ना ठेके के बाहर झगड़ा हुआ था, वो वाला लड़का यहाँ अंकित है, जो मेन एक्यूज है, उसका भी यहाँ टोटे टोटे लगे, उसको हमने एडमिट करवा था सिविल हॉस्पिटल में, बट अब वहाँ से वो फरार है। उस टाइम तो पर हमारे पास कोई कंप्लेंट अवेलेबल नहीं थी, उस टाइम हमने ठेका भी बंद करवाया ताकि कोई और बड़ी घटना ना होए। उसके बाद रात को सुबह इन्होंने आके देखा तो मेरे ठेके में काफ़ी तोड़फोड़ की हुई है, काफ़ी ये करे नुकसान भी हुआ जी, कैश है करीब 6.5 लाख रुपये वो भी ले गए हैं, जिसमें कि LED तोड़ दी है और कई चीज़ें तोड़ी हुई हैं, नुकसान भी हुआ है। कई बार मैं अपनी कंप्लेंट दूंगा और उसके बाद जो भी दरखास्त देगा जितना भी नुकसान हो कार्रवाई करें। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उठाकर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। यमुनानगर से परवेज खान की रिपोर्ट।